आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के नईगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहलपार में संचालित किराना दुकान में आज सुबह अचानक आगजनी की घटना हो गई। इस दौरान दुकान सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। आगजनी की इस घटना के दौरान दुकान संचालक का तकरीबन 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तकरीबन 1 घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पहलपार निवासी आशीष द्विवेदी रोजाना की तरह आज सुबह दुकान खोले थे और दुकान खोलने के बाद घर नाश्ता करने चले गए। इसी दौरान उनके दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। उन्होंने बताया कि दुकान में रखा सारा सामान सहित दुकान जल कर खाक हो गई है। आशीष द्विवेदी के मुताबिक किराना स्टेशनरी सहित अन्य सामान की वह दुकान संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 से 7 लाख का नुकसान उनका हुआ है। वहीं आगजनी की घटना का कारण अज्ञात है। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी है। आशीष ने बताया कि आगजनी की घटना के दौरान स्थानीय लोगों की मदद और दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है।